कानपुर से एक बार फिर कथित रूप से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ने बच्चे पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। मामला तूल पकड़ते ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मामले में जांच की मांग की। मामला कानपुर के क्रिश्चियन स्कूल का है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र के परिजनों का आरोप है कि महिला टीचर उनके बच्चे से अश्लील चैटिंग करती है और बच्चे को ईसाई धर्म के बारे में बताती है, जिसको लेकर उनके बच्चे ने अपनी चोटी भी कटवा ली। परिजनों ने मामले में स्कूल प्रशासन और पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही छात्र के पिता ने बताया, घर में पूजा होने से अब उनके बच्चे को दिक्कत होने लगती है। धीरे धीरे उनके बच्चे ने पूजा से अपना मन हटा लिया है। वहीं मामले में एफआईआर दर्ज होने को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और मामले में पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। स्कूल प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। मतलब हद हो गई प्रशासन की मक्कारी की। आज हमको सड़क पर उतरना पड़ा प्रशासन के विरोध में और ये मुकदमा जल्द से जल्द दर्ज किया जाए। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जब हम लोग विद्यालय पहुंचे, प्रधानाचार्य से कहा कि आप एक लिस्ट लाइए, अपनी बुकों की लिस्ट लाइए। उन्होंने बुक खोली, महापुरुषों के चेहरे पर क्रॉस का निशान था। जब उनसे इस पर प्रश्न किया गया तो वो कहते हैं ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। मतलब भारत के महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी भारत देश के लिए, भारत को भारत बनाने के लिए, उन पर वो क्रॉस चलाएंगे, ये नहीं चलने वाला है कानपुर महानगर में। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच चल रही है। जांच में कुछ मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इसमें जो प्रकरण लगा है, इसमें सभी पक्षों से बातचीत करके जो भी तथ्य हैं वो सभी हमने लिए हैं और उनकी जांच अभी प्रचलित है। इसमें जो वादी पक्ष है उनकी तरफ से भी, जो विद्यालय प्रशासन है उनकी तरफ से भी, जो वहाँ रहने वाले अन्य जो विद्यार्थी हैं उनसे भी वार्ता हुई है। चूँकि प्रकरण संवेदनशील है तो इसमें विस्तृत रूप से जांच करी जा रही है और जांच के आधार पर जो भी तथ्य अल्टीमेटली जो निष्कर्ष सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले को तूल पकड़ता देख स्कूल प्रशासन ने भी आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया है। स्कूल प्रशासन द्वारा जांच की जा रही, अब सबकी नजरें पुलिस की जांच पर टिकी है। पर अगर मामला सही पाया गया तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है।